कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर घटना चक्र किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका 2022 का किताब है। इसमें आपका चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर दिया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और भी अन्य पीसीएस एग्जाम का, ठीक है। और ये आपका जनरल साइंस का किताब है, इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। इस किताब से हम लोग बायोलॉजी का भी जो है सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस, ठीक है। अभी हम लोग थ्योरीज पर नहीं पढ़े, सिर्फ आपका एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका जो क्वेश्चन है और जो भी आपका राइट ऑप्शन है, जो राइट आंसर उसी को सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपका वीडियो बन रहा रिवीजन पर्पज से बन रहा वीडियो, जबकि आपका लास्ट टाइम एग्जाम में रिवीजन रिवाइज करने के लिए इजी हो, ठीक है। तो जिन लोगों के पास ये किताब नहीं है, कृपया किताब खरीद लें, नहीं तो आपका पीडीएफ देखो, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, वो है बायोलॉजी का सेट प्रैक्टिस करेंगे, आपका चैप्टर नंबर 5 हेरिडिटी, ठीक है। और इसमें जो है आपका एक्सप्लेनेशन, जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है, ये व्याख्या है, उसको नहीं पढ़ेंगे, और आपका चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आपका राइट ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका हेरिडिटी का जो एमसीक्यू आपका देखिए यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 1, यहाँ से आपका हेरिडिटी का। तो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, तो ऑप्शन नंबर ए जॉर्जन जॉन मेंडल। क्वेश्चन नंबर 2 है द साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी जेजे मेंडल। तो साइंटिस्ट नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी जेजे मेंडल। क्वेश्चन 3 है द क्लासिकल मेंडल, द क्लासिकल मेंडल वर्क्स ऑन हिज लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वाज परफॉर्म ऑन द ऑरिजिन, ऑप्शन नंबर सी कार्डन पी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, तो मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन नंबर सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है जीनोम मैपिंग रिलेट टू, तो जीनोम मैपिंग रिलेट टू, तो आपको बताना है 5 करेक्ट आंसर, आंसर ऊपर दिया गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। तो जीनोम मैपिंग रिलेटेड ऑप्शन नंबर बी मैपिंग ऑफ जीन, ठीक है, आपका मैपिंग ऑफ जीन राइट आंसर होगा। इसे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, तो एक मिनट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं पहले। द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इन आवर बॉडी इज कॉल्ड, ऑप्शन नंबर सी जीन। क्वेश्चन नंबर 7 है जीन इज, तो आपका जीन का ऑप्शन नंबर है और सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन ऑप्शन नंबर है सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 8 है द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोड, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या, ऑप्शन मल्टी ऑल ऑफ द अबव आर राइट, आपका चार ऑप्शन सही है, ठीक है। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोडर, ऑप्शन नंबर 1 इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल, ये सही है। इट इज ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बेसेस करस्पॉन्डिंग टू 20 अमीनो एसिड, जिसे आपका इट इज नॉन ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगस एंड कॉमलेस, एंड इट हैज स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन, ये आपका चारों सही है। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जेनेटिक कोडर, इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल, इट इज ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस करस्पॉन्डिंग टू 20 अमीनो एसिड, इट इज नॉट ओवर नॉन ओवरलैपिंग, नॉन एम्बिगस एंड कॉमलेस, एंड इट हैज स्टार्ट एंड स्टॉप कोडोन, ठीक है। इस आपका क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट है 9 है चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन ए जीन इज कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर है म्यूटेशन, तो आपका म्यूटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है हेरिडिटरी सिम्टम्स आर मूव्ड इन द डिसेंडेंट ऑफ द फीचर्स बाय, तो ऑप्शन बी क्रोमोसोम, तो हेरिडिटरी सिम्टम्स आर मूव्ड इन द डिसेंडेंट ऑफ द फीचर्स बाय, ऑप्शन बी क्रोमोसोम। 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ऑफ द लिविंग सेल, तो 11 का राइट आंसर है, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डीएनए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी डीएनए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डीएनए मेक्स इट्स यूनिकली सुटेड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डीएनए मेक्स इट यूनिकली सुटेड टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ऑप्शन नंबर कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ द टू स्ट्रैंड, द कॉम्प्लीमेंटरी ऑफ द टू स्ट्रैंड होगा। 13 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉजेज जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ऑफ, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव आपका सही जगह, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑफ जीन क्रोमोसोमल चेंजेस एंड सफरिंग ऑफ जीन, 14 क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय गिवन बाय, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बाय गिवन, ऑप्शन नंबर सी स्यूटेन एंड बोवरी। 15 नंबर क्वेश्चन है हु फर्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन मॉलिक्यूल डीएनए, तो हु फर्स्ट आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द जीन मॉलिक्यूल डीएनए, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जेम्स वाटसन एंड डॉक्टर फ्रांसिस क्रेग। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रेग आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ, तो आपका 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो जेम्स डी वाटसन एंड फ्रांसिस क्रेग आर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है
हैज प्रपोज फॉर द फर्स्ट टाइम द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, तो हू हैज प्रपोज फॉर द फर्स्ट टाइम द डबल हेलिक्स ऑफ मॉडल ऑफ डीएनए, ऑप्शन नंबर वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन नंबर 18 है नोबेल प्राइज विनिंग, तो नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन इज नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक्स। तो नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट जेम्स डी वाटसन इज नोन फॉर हिज वर्क इन विच एरिया, ऑप्शन नंबर जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 19 डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज गिवन बाय, ऑप्शन बी वाटसन एंड क्रिक। क्वेश्चन आपका 20 है हु डिस्कवर डीएनए, तो हु डिस्कवर डीएनए ऑप्शन नंबर ई आपका जो नन ऑफ द अबव और मोर देन अबव ऑप्शन होगा, तो जेम्स वाटसन एंड क्रिक एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। तो ऑल बी आंसर है 21 नंबर है हरगोविंद खुराना, तो हरगोविंद खुराना एक क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑफ, तो हरगोविंद खुराना इज क्रेडिटेड फॉर द डिस्कवरी ऑप्शन नंबर है जेनेसिस ऑफ प्रोटीन। उनको जब का 12 नंबर है इन लैबोरेटरी हु डिड द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, तो ऑप्शन बी खुराना, इन लैबोरेटरी हु डिड द सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ऑप्शन बी खुराना। 23 है हु डिलीवर द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन, हु डिलीवर द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन, ऑप्शन नंबर सी बारबारा मैक्लिंटॉक, ठीक है। आपका नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन व्हिच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डस नॉट फॉर्म अमीनो एसिड, तो व्हिच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डस नॉट फॉर्म अमीनो एसिड, ऑप्शन बी ट्राइबोसाइन। 25 नंबर क्वेश्चन है द सुगर प्रेजेंट इन डीएनए, तो सुगर प्रेजेंट डीएनए ऑप्शन में से डीऑक्सीरिबोज, तो डीऑक्सीरिबोज होगा, दैट सुगर प्रेजेंट इन डीएनए ऑप्शन में से डीऑक्सीरिबोज। इसका क्वेश्चन नंबर 26 है राइबोसोम सर, तो राइबोजाइम सर, तो ऑप्शन में आरएनए आपका राइबोसोम आरएनए होता है। 27 है क्रोमोसोम नंबर इन एनी स्पीशीज, तो क्रोमोसोम नंबर इन एनी स्पीशीज ऑप्शन नंबर सी इज कांस्टेंट। 28 नंबर क्वेश्चन है Which of the following does not have sex chromosome? So which of the following does not have sex chromosome? Option B, lizard does not have sex chromosome. 29 है, how many chromosomes are there in human? तो how many chromosomes are there in human? Option B, 46 chromosomes are sir there in human. Next आपका question number 30 है, the number of chromosome pairs found in the cell of human body. The number of chromosome pairs found in the cell of human body. Option C, 23. 31 है, assertion origin है. सर्सन ए कह रहा है इन ह्यूमन बीइंग द फीमेल प्लेस से मेजर रोल इन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, ओरिजिन आर का ऑप्शन वुमेन हैव टू एक्स क्रोमोसोम, तो 31 का ऑप्शन बी ए इज फॉर आर इज टू, तो आपका ये गलत है आर सही है। तो इन ह्यूमन बीइंग द फीमेल प्लेस से मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग गलत है, वुमेन हैव टू एक्स क्रोमोसोम ये आपका सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 है मेल जीन कंस्टिट्यूएंट ऑफ, तो मेल जीन इज कंस्टिट्यूएंट ऑप्शन बी एक्स वाई। जो क्वेश्चन नंबर 33 है Which combination of chromosome in mankind give birth to a male child? So which combination of chromosome in mankind give birth to a male child? Option number C, Y male of Y of male and X of female. ठीक है, Y of male and X of female. ठीक है। इस आपका क्वेश्चन नंबर 34 है आखिरी क्वेश्चन है Which of the following professionals are more likely to run the risk of a permanent change in their cells DNA? तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 only. आपका सिर्फ 2 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 ओनली इज राइट, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल्स आर मोर लाइकली टू रन द रिस्क ऑफ अ परमानेंट चेंज इन देयर डीएनए, तो ऑप्शन नंबर 2 एक्सरे टेक्नीशियन, ठीक है। तो ये आपका 2 ओनली सही है एक्सरे टेक्नीशियन। तो इस प्रकार हमने देखा आज का जो चैप्टर नंबर 5, आज कल हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।